अभी सर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बयान का जिक्र कर रहे थे. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है गोलीबारी के बाद रेडिएशन लेवल में बदलाव नहीं है. ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है. हमले में अहम रिएक्टर्स को नुकसान नहीं हुआ है. IAEA का जो स्टेटमेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं. प्लांट के आसपास हथियारों का प्रयोग ना हो, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते हुए सिचुएशन बहुत ग्रेव है, क्योंकि जिस तरह अभी जनरल सिन्हा भी आपको समझा रहे थे कि सर्टेन सेक्शंस हैं इस पावर प्लांट के, जब तक वो बचे रहेंगे तब तक दुनिया, या कहना चाहिए स्पेसिफिकली यूरोप बचा रहेगा, लेकिन अगर उसे हिट किया जाता है उस कोर को, तो उसके बाद भारी तबाही होगी. और इसलिए IAEA भी कह रहा है कि प्लांट के आसपास हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए. ग्रुप कैप्टन देवनाथ. जी हाँ, देखिए जब भी अटैक की प्लानिंग की जाती है तो कुछ ऐसे टारगेट होते हैं जिसपे कि अटैक करना निहायत ही बेवकूफी होगी. एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर अगर कोई हमला करता है तो इसमें उसके बाद कोई जीतने वाला पक्ष नहीं है, उभय पक्ष को भयंकर क्षति होगी. जिसने हमला किया है उसको तो आज इस मामले में ज्यादा क्षति होगी, क्योंकि वह रूस के बहुत ही पास है और उस जगह पर जो एनुअल सालाना विंड पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि वो रूस की तरफ ही बहता है. वहां से जो नुकसान होगा उससे रूस अपने को भी बचा नहीं पाएगा, रूस के नागरिकों को भी. जनरल सिन्हा, जैसे कि अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे हैं कि चपेट में तो रशिया भी आएगा, ये इस एक्शन को कैसे देखा जाए? यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप उसको उस पर बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना है या ये एक्चुअली प्रेशर टैक्टिक है? मुझे लगता है इतना मिस्टर पुतिन बेवकूफ नहीं है. देखिए जहां ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, तो एक होता है एपी सेंटर, और एपी सेंटर से एक सर्कमफ्रेंस होता है जहां तक उसका इम्पैक्ट जाता है. क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे बदलता जाता है, प्रोडक्टिविटी लैंड का घटता जाता है, लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट है ब्लास्ट का, साउंड हीट वेव्स, वो जो इफेक्ट होता है उसकी एक जोन होती है, एरिया होती है. तो मिस्टर पुतिन ने कैलकुलेट किया होगा कि यदि ज़ापोरिज़्या में ऐसा होता है तो रूस तक वो नहीं पहुँचेगा. लेकिन इसका मतलब है दूसरा बिंदु यही है, ये दबाव की रणनीति है. वो मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हम पावर प्लांट पे टैंक से फायर किए हैं, आग लगाए हैं, हम अपना न्यूक्लियर ऑप्शन के रास्ते तक भी पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं. ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है. मतलब विश्व तमाशा देखता रहेगा, विश्व अपने बर्बादी के क्षण ऐसे ही धृतराष्ट्र की तरह देखता रहेगा. ये तो बहुत ही कठिन समस्या है, और मेरा ख्याल है तुरंत समाधान यूनाइटेड नेशंस को, विश्व के पावर को करना पड़ेगा, और मिस्टर पुतिन से UNSC तुरंत बात करे कि आप इस आग को बुझाइए. हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन ये इस तरह की एजेंसीज अब कितनी रेलेवेंट हैं, उनकी उनकी उनके पास वो कितनी इफेक्टिव हैं, रेलेवेंस भी और इफेक्टिव भी कितनी है. इस तरह के मंच UN की रेलेवेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं. ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हम जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं उसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यूक्रेन का जो 1/4 यानी 1/4 पावर जनरेशन जो है वो इसी प्लांट के माध्यम से किया जाता है, तो उसे भी हिट करने की कोशिश रशिया द्वारा सीधे तौर पर की जा रही है. जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया. अब रूस जो है यूक्रेन की सरकार पर, यूक्रेन की जनता के ऊपर अपनी दबाव बढ़ा रहा है. किसी भी देश की जनता पर अगर आप दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर वहाँ की बिजली को बंद कर दें तो आप देखिए उस देश की सारी इंडस्ट्री, सारे हीटिंग सिस्टम, सारे कम्युनिकेशन के माध्यम, मोबाइल सब बंद हो जाते हैं. इससे उस देश की मोरल पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. तो मेरा ख्याल है कि रूस का प्राइमरी पर्पस ये था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हिट करने के बाद, देखिए उन्होंने बड़ी चतुराई से ये हमला किया है कि सिर्फ, चलिए एक बार सुनवाते हैं किस तरह के धमाके वहां पर सुने जा रहे हैं, रशिया जो स्ट्राइक्स कर रहा है उसके बाद, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता. और अब कैपिटल कीव की खबर, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी खबर तो हम आपको दिखा रहे हैं. कैपिटल कीव में भी तबाही हुई है, कीव के कई हिस्से पूरी तरह तबाह होने की
खबर मिल रही है। तो आप जानते हैं रशियन फोर्सेस द्वारा लगातार स्ट्राइक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, और कैपिटल कीव में तबाही किस तरह से देखने को मिल रही वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। बॉम्बार्डमेंट की जा रही है, बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, खंडहर में इमारतें तब्दील हो चुकी हैं क्योंकि लगातार स्ट्राइक्स की जा रही हैं, और इसी का नतीजा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो विनाश है, विध्वंस है, नुकसान है, और साथ ही एक बड़ा मानवीय संकट भी है। और यूक्रेन बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर रशियन फोर्सेस जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है और जो बची है वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जल चुकी है, एक्सप्लोजन, आग, धुएं का गुब्बार, जोरदार धमाका, ये आप कहें अगर जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों से, सब में यही आपको बार बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कीव में किस तरह से स्ट्राइक्स किए गए हैं वो देखिए। अलग अलग सीरीज में सबसे चिंता बढ़ाने वाली बात यूक्रेन का में जो पावर प्लांट है यूरोप का, जिसे सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया जाता है, वहां पर जिस तरह से स्ट्राइक्स की गई हैं उसकी तस्वीरें भी जल्दी से आपको दिखाएंगे कि वहां जो स्ट्राइक्स किए गए वो किस तरह से किए गए, और उसे लेकर जो लगातार चिंता और कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, उन पर भी हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।